वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको बेसन की पपड़ी बनाना बताऊंगी बिल्कुल ही नई स्टाइल में। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना चाहेंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। 2 कप मैंने यहाँ पर लिया है बेसन, अजवाइन लिया मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है तेल, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर लिया है पापड़ खार, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है नमक, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है पानी। सबसे पहले हम पानी को गर्म करेंगे। मैंने एक बर्तन में पानी ऐड कर दिया है, पानी अच्छा बॉईल होने लग गया है। तो चलिए इसमें अब हम नमक ऐड कर देंगे और इसी में जो हमने पापड़ खार लिया था वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं। गर्म पानी को मैंने एक बर्तन में डाल दिया है, इसमें अब हम तेल ऐड करेंगे और अजवाइन भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। सभी को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमें इसमें बेसन ऐड करना है जो हमने लिया था, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। इस तरह हमें इसका डो तैयार करना है। आप देख सकते हैं ज्यादा टाइट भी नहीं करना है, ज्यादा लूज भी नहीं करना है, इस तरह हमें इसको रखना है। इस तरह डो लगकर हमारा तैयार हो गया है। 2 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह रहने देंगे। नमकीन बनाने की जो मशीन आती है वो मशीन लेंगे, इसमें जो पपड़ी वाली ये जाली आती है ये जाली हम इसमें लगाएंगे। इस तरह देखिए, और जो डो हमने तैयार किया था वो इसमें अब हम डाल देंगे। इस तरह इसको लंबा लंबा करके हाथों से पतला कर लेंगे और इसमें अब हम डाल देंगे और इसको अब हम बंद कर देते हैं। इस तरह गैस पे मैंने पैन में तेल ऐड कर दिया है, तेल अच्छा गर्म होने देंगे फुल फ्लेम पे। आप देख सकते हैं तेल अच्छा गर्म हो गया है। तो चलिए अब हम पपड़ी बना लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें फुल ही रखना है और इस तरह मशीन से हम इसको गोल गोल घुमाएंगे। जितनी आएगी हमें उतनी ही इसमें डालनी है। एक मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। पपड़ी को अब हम पलट देंगे और कम फ्लेम पर हम इसको सिकने देंगे। आप देख सकते हैं पपड़ी जो है गोल्डन ब्राउन कलर की होने लग गई है। तो चलिए इसको अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह हमें इसको सेकना है। इसी तरह दूसरा राउंड भी हम कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें फुल ही रखना है, आराम से बन जाती है। आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक हमें नहीं डालना है, जितनी आएगी हमें उतनी ही डालनी है। अब हम इसको पलट देते हैं और कम फ्लेम पे हम इसको सिकने देंगे अच्छी तरह से। पपड़ी हमारी अच्छी तरह से सिक गई है। तो चलिए इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं बेसन की पपड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, इनको हम चाहे तो अलग अलग खोल भी सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, जब सर्व करो तब भी आप इन्हें खोलें। इस तरह कितनी अच्छी और क्रिस्पी पपड़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी और क्रिस्पी पपड़ी हमारी बनी है, आप देख सकते हैं। पपड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, इसको बनाने में भी हमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। पपड़ी बनाते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि जब हम इसका डो लगाएंगे तो
तो ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गीला भी नहीं लगना चाहिए। और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो कम फ्लेम पे ही हमें इसको फ्राई करना है, क्योंकि बेसन जो है जल्दी से सिक जाता है, इसलिए हमें इसको कम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।